हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने एक सेंटर जो है वो चेंज करना है, आप AIU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो स्पेशली वो जो कैंडिडेट्स जो अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं बिफोर द एग्ज़ाम या किसी ट्रांसफर के फॉर्म में, अगर आपके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, या आप जो है स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स जो कि मैरिड हैं और जो है अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर है और उसके तमाम जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। आपने क्या करना है, ये एक फॉर्म है, इसको फिल करना है। इस फॉर्म के जो साथ आपने क्या क्या अटैच करना है वो भी मैं बताता हूँ, और इसका लिंक जो होगा फॉर्म का, और वो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आपने क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना है। और इसका जो चालान फॉर्म होगा उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, मैं वहां से उसको इजीली डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको पे करना है 600 का वो चलाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक फॉर्म आपने क्लिक करना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड करेंगे तो ये आ जाएगा। देन आपने करना क्या है, अपना रोल नंबर लिखना है इस जगह पे, उसके बाद स्टेशन नंबर लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, अगर आप तीसरे सेमेस्टर में फर्ज करें, आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे अपना नेम लिखना है इस जगह पे, और यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे वो आपने फर्ज करें आपने 2 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं और आप तीसरे सेमेस्टर में हैं, आपने अपना सेंटर चेंज करना है, तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट्स अलाट हुए हैं, आपने फर्ज करें 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपने उनके तीनों के कोड जो है जो यूनिवर्सिटी आपको सेंड करेगी उनको आपने यहाँ से यहाँ 3 लिख देने हैं। मशक वगैरह के लिए, वर्कशॉप के लिए कोड आपको सिलेबस से सेंड कर देते हैं, अपने 3 कोड यहाँ पे लिखने हैं। अब सेंटर टू बी चेंज, यस हम डॉक्यूमेंट्री सेंटर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस सेंटर लिख देना, यहाँ पे इस फंक्शन में आप लिख भी दें कि प्रीवियस सेंटर हमारा ये था, और यहाँ पे आपने न्यू सेंटर यहाँ भी लिख दें और यहाँ भी मेंशन कर दें न्यू सेंटर, इस जगह पे आपने न्यू सेंटर जो है वो लिखना है, ऊपर भी हेडिंग दे दें यहाँ पे न्यू सेंटर की, और यहाँ आपने सारा न्यू सेंटर का प्रोसीजर लिखना है। यहाँ पे फिर अपना नेम लिख देना है कि आई डिक्लेयर कि ये सारा वो अहदनामा है जी हाँ कि मैं इसको तस्लीम करता हूँ, और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पे फुल नेम लिख देना है, और अपना न्यू एड्रेस, याद रहे यहाँ पे न्यू एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर और डेट मेंशन कर देनी है। अब बात होगी ये चीज, आपने ये फिल कर दिया, अब इसके साथ आपने ना ऑनलाइन चालान जमा करवाना होगा, डाउनलोड कर उसका उसका जो होगा लिंक वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, आपने क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, और उसमें जो है जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको आपने जो है जमा करवाना है, कहाँ जमा करवाना है, बैंक में 600 का चालान होगा, उसकी कॉपी जो है यूनिवर्सिटी कॉपी वो साथ लगानी इस फॉर्म की, इसको फिल कर लिया। इसके साथ साथ फर्स्ट करें आप ट्रांसफर लेटर है तो आपने अपना ट्रांसफर लेटर लगाना है, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है साथ, तो वो जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अंदर ना ये 5 लाइंस लिखी होंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, क्योंकि फॉर्म जो डाउनलोड करेंगे वो 3 पेजेस का होगा, 2 में इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो वो सारा लगाना है साथ। फिर आपने मेन चीज है सेंड कहाँ करना है, इस चालान फॉर्म जो करेंगे आप पे उसकी भी कॉपी साथ लगानी है इसी फॉर्म की, फिर आपने फोटो लगानी है, आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है, ट्रांसफर लेटर है अगर फीमेल स्टूडेंट्स का निकाह फॉर्म है तो आपने वो साथ लगाना है, बात यहाँ तक होगी। नेक्स्ट देखिए कि आपने इसको सेंड कहाँ करना है, ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है प्लीज सेंड एप्लीकेशन, फिर आपने इसको कोरियर करना है, कोरियर का एड्रेस, ये फर्स्ट सवाल मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपने सेंटर चेंज कर रहे हैं ये 3 माह के लिए है, एग्जाम से 3 माह पहले, अगर आपने एग्जाम होने में 1 माह 2 माह रह गया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका वो साल वेस्ट होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम से 3 महीने पहले आपने ये सेंड करना है ताकि उनको जो है वो प्रोसीड कर लें और आपको जो है आपका न्यू सेंटर अलाट करें, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान में रखें कि आपने अप्लाई तब करना है जब आप 3 माह से कम से कम दुरानिया हो एग्जाम के और इसके भेजने के बिटवीन। आपने सेंड कहाँ करना है, डिप्टी कंट्रोलर एग्जाम रिजल्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्जाम ब्लॉक 3, ये सारा एड्रेस लिखे कोरियर पे और इसको आपने सेंड कर देना है।
और इसके बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल नंबर देंगे आपको तो वो आपसे रब्ता भी करेंगे यहाँ पे, और आपको तमाम जो है उसकी इंफॉर्मेशन न्यू सेंटर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। और आप जब रूल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे उस पर न्यू सेंटर मैंशन होगा। इसके साथ साथ जो है ये प्रोसीजर आप जब कंप्लीट करेंगे तो देन जो है किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने तमाम प्रोसीजर्स वीडियो को देखें, उसमें जैसे जैसे मेंशन किया गया वैसे मैंने मेंशन किया वहाँ वैसे वैसे करें और उसको अप्लाई करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें आपको दोनों चालान फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोनों के लिंक वहाँ पे मौजूद होंगे। और एक और बात, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे आपने वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस वाले हैं वो साथ नहीं लगाने। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द वीडियो ऑफ हाउ टू चेंज सेंटर बिफोर द एग्जाम्स रिलेटिवली 3 मंथ्स अगो। जो है एग्जाम होने से आपका 3 माह पहले जो है आपने ये सारा प्रोसीजर जो है वो करना है। 3 माह से अगर कम करेंगे तो वो आप एलिजिबल नहीं कंसिडर होंगे। सो दिस इज द टूडे इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू चेंज सेंटर इन AIO यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर बेल आइकन का बटन होगा उसको क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट्स ऑन द टाइम ऑन द डे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।